हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने जा रही क्रिस्पी कॉर्न की रेसिपी। जी हाँ, ये बारबेक्यू नेशन में सर्व होती है। क्रिस्पी कॉर्न्स बहुत ही टेस्टी लगती है। चले बनाते हैं, लेट्स गो। सबसे पहले कढ़ाई में मैंने 2-3 ग्लास पानी डाला है। इसके अंदर आधा चम्मच नमक। ये कॉर्न्स को हम लोग उबालेंगे। देखिए अभी कॉर्न्स मिल रहे हैं ना, इसको छील ले। ये लगभग 2 कप है, ये इसको डाल देंगे इस तरह। आप रेफ्रिजरेटेड भी ले सकते हैं, लेकिन अभी ताज़ा ताज़ा मिल रहा है, आप उसको भी यूज़ कीजिए, अच्छा लगेगा। इसको 5 या 6 मिनट उबालना, ज़्यादा उबालना नहीं है। इसको ढककर उबालिए। देखिए उबलने के बाद इसका कलर और मस्त येलो टाइप हो जाता है, इसका यही पहचान है। 5 या 6 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं उबालना है, क्योंकि ज़्यादा पक जाएगा तो फ्राई होते समय अच्छा नहीं लगेगा। देखिए उबल गया है, इसे हम लोग छान लेंगे। देखिए स्ट्रेनर में इसको छान के स्ट्रेनर में ही छोड़ दीजिए, ताकि एकदम ठंडा होने के बाद ही आगे का प्रोसीजर हम लोग स्टार्ट करेंगे। पूरा ठंडा होने दीजिए, नहीं तो आपको जल्दीबाजी है तो प्लेट में फैला के फैन के नीचे रख दीजिएगा। जैसे ठंडा हो गया, देखिए ठंडा हो गया, इसे मैंने बोल में ले लिया। इसके अंदर 2 कप मैदा, दो चम्मच मैदा, सॉरी 2 चम्मच अरारोट डाल के इसे अच्छे से मिलाना है, कॉर्न को पूरा कोट होने तक। आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करना तो ना भूलिएगा। कैसा बन रहा है ये डिशेस, इसे एकदम अच्छे से मिला लेना है। आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा हो गया है, बिल्कुल नहीं। ऐसे मिलाते मिलाते देखिए पूरा ये हो गया है, उसको सोख उसको पकड़ लिया है। कॉर्न में गीलापन होता है उसको, और ड्राई लग रहा है तो 1 चम्मच पानी डाला अभी मैंने, ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालिएगा, 1 ही चम्मच डालिएगा। इसको अगर आप चम्मच से ऐसा लग रहा है तो आप हाथ से भी मिला सकते हैं। देखिए पूरा कोट हो गया कि नहीं, देखिए इस तरह से पूरा कोट हो जाना चाहिए कॉर्न्स को, कॉर्नफ्लावर और मैदा। मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, देखिए इस तरह से कोट हो जाने के बाद एक कढ़ाई में मैं तेल ली हूँ, मीडियम आँच में गरम करना है। तेज़ आँच में बिल्कुल गरम नहीं करना है, एकदम मीडियम आँच में गरम करना है, नहीं तो कॉर्न्स फूट के बाहर आ जाएंगे, आपके हाथ पैर में जल जाएंगे। देखिए तेल गरम हो गया है, इसमें इससे हाथ से ही डालिएगा, ऐसे फैलाते हुए जितना हो सके उतना मीडियम आँच रखिएगा। फिर इसके अंदर डाल के उसको ढक दीजिए, क्योंकि कभी कभी फूट, ऐसे गैप रख के ढकिएगा। मैं उस तरफ गैप रख रही, क्योंकि इस तरफ मैं खड़ी हूँ, इसलिए उस तरफ थोड़ा सा ऐसे गैप रख के इसको फ्राई करेंगे। जैसे थोड़ी देर हो गया, 1 मिनट, इसको निकाल देते हैं ढक्कन निकाल के। देखिए अभी नहीं फूटेंगे, स्टार्टिंग में उसको गीलापन होता है ना, उसी वजह से फूटता है, इसी वजह से बोल रही हूँ ढक्कन लगाइए, लेकिन थोड़ा सा गैप में लगाइए। देखिए और थोड़ा सा लाल होने तक इसको हम लोग भुनेंगे। देखिए ये भुन गया हमारा कॉर्न्स, बड़ा टेस्ट लगता है जी। इसके लिए तो लोग बारबेक्यू नेशन जाते ही जाते हैं, क्यों ना हम लोग घर में ही बनाए। अभी तो कॉर्न्स मिल भी रहा है, एक बार तो बनाना तो जरूर बनता है, बहुत ही टेस्टी लगता है ये। देखिए मैं नज़दीक से दिखाती हूँ आपको, इसको निकाल के डाल के इसके अंदर, देखिए इसका आवाज़ सुना दूंगी मैं आपको। आया ना क्रिस्पीनेस आवाज। इसके अंदर आधा चम्मच भुना जीरा का मसाला पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला आधा चम्मच, स्वाद अनुसार नमक। नमक देख के डालिएगा, चाट मसाला में भी नमक होता है। डाल के इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसके अंदर आप स्प्रिंग ऑनियन डाल सकते हो और कैरेट डाल सकते हो, जैसे आपको पसंद हो सीजनिंग उसका आप कर सकते हैं, लेकिन मैं ऑनियन डाल रही हूँ। ये प्याज और 4 हरी मिर्चें हैं, 1 बड़ा प्याज है ये, एक छोटा सा टमाटर डाल रही हूँ,
जो मुझे फेवरेट है, अच्छा लगता है। आपको ये सब पसंद है तो आप सिर्फ ऐसे चाट मसाला डाल के भी खा सकते हैं, इससे बहुत टेस्ट लगता है। इसके अंदर मैंने नींबू का रस भी डाला 1 चम्मच, और स्किप हो गया वीडियो, आप लोग डालिएगा ज़रूर। बस रेडी हो गया हमारा गर्मा गर्म क्रिस्पी क्रॉन्स, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार तो ज़रूर बनाइएगा, और बच्चे छोड़ेंगे नहीं कि हर बार बनाते रहिए, बोलते रहेंगे मैं तो ऐसा बनाई कि नहीं, ख़त्म हो गया। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार, मैं खा के देखती हूँ। बहुत ही टेस्टी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।